तो आप सबका स्वागत है ज्योति की किचन में। तो आज मैंने राम जी के आगमन के उपलक्ष में बनाई है एकदम स्वादिष्ट वाली खीर। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे लिए मैंने आधा कटोरी चावल, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए वॉश करके अच्छे से भिगो के छोड़ दिया था, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे लिया मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम पहले इस दूध के अंदर एक अच्छा उबाल लेके आएंगे, और यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और उसको बीच में चलाते चलाते हम एक उबाल ले आते हैं पहले इसके अंदर। तो यहाँ पे दूध के अंदर अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने चावल भिगो के रखे हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए हम जब तक हमारे चावल सॉफ्ट नहीं होते तब तक पका लेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को कर लेंगे हम थोड़ा सा लो, इसको लो फ्लेम पे ही चावल सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से पहले इसको पकाएंगे, और इसको बीच बीच में जरूर चलाएं वरना हमारी जो चावल है वो नीचे तली में लग जाएंगे, चावल जो है वो तली में चिपक जाएंगे। तो इसको ऐसे चलाते हुए ही हम पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं और ये खीर भी हमारी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने 10 मिनट तक पकाया था लो फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए। इसमें बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आपको आएगा फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ पे 1 चम्मच मिल्क पाउडर मैंने लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पाउडर को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं चीनी, तो यहाँ पे लिए मैंने 1 कप चीनी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी अगर इसके अंदर डालेंगे तो नीचे तली में ना लगे, इसलिए चलाते हुए ही पकाएं इसको। और इसके अंदर चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू लाने के लिए इलायची, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसको हम 5 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारी खीर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारी खीर बनके रेडी होगी। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच घी और इसको भी मेल्ट हो जाने देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। तो देखें यहाँ पे बनके रेडी होगी हमारी ये एकदम सुपर टेस्टी खीर। तो अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे बनके रेडी होगी हमारी एकदम सुपर स्वादिष्ट वाली खीर। तो फ्रेंड अगर रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।